हमार समस्या ये बा मनरेगा के ना लग गई आवेदन मिलवे नहीं कहे कहाँ पे आवेदन कई लग गई स्कूल में कैंप लागल है वहाँ पे के रहा पठान रहा है सेक्रेटरी रहा है गणवरिया के रमेश रहा है आवेदन के लिए कितना साल हो गए एक साल से ऊपर हो गए तो क्या आपका जॉब कार्ड मिलल नहीं ये बताओ जाए अगर आपका जॉब कार्ड बन जाए आपके मिल जाए तो आपके घर के कितना समस्या लगभग खत्म हो जाए अब टू लड़का बहुगे पढ़ावे के फिर घर का खर्चा महाराजगंज जनपद के ग्राम सभा से फरेना से मैंने आज से 6 महीना पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आशा देवी सहित कुल 12 लोगों ने जॉब कार्ड के लिए आवेदन किया जिससे उन्हें आज तक जॉब कार्ड नहीं प्राप्त हुआ परेशानी मन करे जॉब कार्ड नहीं बन रहा है अब परेशानी खत्म हो गए हाँ जॉब कार्ड बन गया परेशानी खत्म हो गई का बदलाव आये ये बदलाव आये कि हमार के जॉब कार्ड बन गया संजय हाँ। संजय नाम के भैया फोटोग्राफर आये लाल है फिर बाद में प्रधान से मिल के जॉब कार्ड बनवा देना के हमार के जॉब कार्ड बन गए हमन के तो आवेदन कर लाल गए जॉब कार्ड करते स्कूल में जाके तो हमन के ना आए ओकर बाद तब फिर हमन के 10 जनी मीटिंग कर गए ओकर बाद प्रधान के गए तब तो प्रधान से बोल गए कि हमन के जॉब कार्ड बना दा तब बोला कि 10 दिन के हमन के समय मिले दा ओकर बाद यहाँ हमन के 10 जनी रह गए समूह में का तब बैठक भाई तो वहाँ आई बी डी वाले भैया संजय भैया आए रहें तब मीटिंग भाई हमन के फिर 10 दिन के बाद गए गए तो हमन के जॉब कार्ड देना बना के तब उनके धन्यवाद कह रहे हैं आशा देवी सहित 12 लोगों के जॉब कार्ड को ग्राम प्रधान के द्वारा और एडीओ पंचायत के द्वारा जारी किया गया उन्हें जॉब कार्ड दिया गया और यह भी आश्वासन दिया गया कि आने वाले समय में उनको भी नरेगा के कामों से जोड़ा जाएगा वह उन्हें भी नियमित काम मिलेगा मुझे खुशी हुई कि मेरे इस वीडियो से समुदाय में बदलाव आया और लोगों को उनके जॉब कार्ड प्राप्त हुए मैं संजय कुमार जायसवाल महाराज उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए